नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांकेर के सोम वंश को मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 3 में 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें से भाग 3 है छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। और इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं कांकेर के सोम वंश। ध्यान दीजिएगा, कांकेर के सोम वंश अर्थात यहां से आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और सीधे सीधे 15 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर का जब प्रश्न आता है तो इसमें कम से कम आप 2 फैक्ट दिखाइए, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट, 8 और 15 की डिजाइनिंग करते समय जब भी आप इतिहास में लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के बाद घटना का स्वरूप और इसके बाद मूल्यांकन। चूंकि ये इतिहास है इसलिए मूल्यांकन में हम बताते हैं प्रभाव या परिणाम। ध्यान दीजिएगा, यदि 8 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें कुल 10 लाइन लिखने होते हैं, तो हम यहां पर मोटा मोटी कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि 2 लाइन, मूल्यांकन 2 लाइन तथा मुख्य घटना आपका 6 लाइन। यदि यह आता है आपका 15 नंबर का तो हमें कुल 18 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो आप यहां पर मूल्यांकन को 3 लाइन, पृष्ठभूमि को 3 लाइन और मुख्य घटना को 12 लाइन दे सकते हैं। तो इस पैरामीटर के लगभग आप लिख सकते हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांकेर के सोम वंश के अंतर्गत सीजीपीएससी मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेंस में प्रश्न आता है कांकेर के सोमवंशीय शासक कर्ण राज की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ध्यान दीजिएगा, इसे हम डिजाइन करते हैं। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2 शब्द सीमा 30 के लिए, तो इसके लिए हमें प्रोवाइड किया जाएगा कुल 4 लाइन। तो इसके लिए हमें कुल 4 लाइन प्रदान किए जाएंगे इस प्रकार से, इसके लिए हमें कुल 4 लाइन प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप छत्तीसगढ़ से संबंधित मेंस में डिजाइनिंग करते हैं उत्तर को, तो आप मैप को जरूर दिखाएं। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो हम भी जानते हैं कि कर्ण राज की राजधानी थी कांकेर और इन्होंने सिहावा में बनाया है कर्णेश्वर महादेव मंदिर, तो इसे हम मैप में जरूर प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से मैंने एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप बना दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने दिखा दिया सिहावा, यह है सिहावा, और यहां मैंने बता दिया कांकेर, यह है कांकेर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप सिहावा में लिख सकते हैं कर्णेश्वर महादेव मंदिर, सिहावा में स्थित है कर्णेश्वर
महादेव मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर यहां पर स्थित है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जबकि कांकेर है राजधानी, और इसे एक ब्लॉक में घेर दीजिए। अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर आंसर डिजाइन करना है, कर्ण राज्य की भूमिका बतानी है। तो कर्ण राज्य से संबंधित जो भी उनके रोल रहे हैं, उनके कार्य रहे हैं, उनकी भूमिका रही है या उपलब्धि रही है, उसे हमें लिखना है। तो हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कर्ण राज्य के सिहावा शिलालेख से, सिहावा शिलालेख से सिहावा शिलालेख के अनुसार कर्ण राज्य के सिहावा शिलालेख के अनुसार कर्ण राज्य के द्वारा महानदी के तट पर, महानदी के तट पर सिहावा में 12वीं शताब्दी को नागर शैली में भगवान शिव को समर्पित कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के आंसर डिजाइनिंग किया। ध्यान दीजिएगा, कांकेर के सोमवंशी शासक कर्णराज की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हमने मैप बनाया छत्तीसगढ़ का, सिहावा में दिखाया कर्णेश्वर महादेव मंदिर और कांकेर को बताया राजधानी। कर्णराज के सिहावा शिलालेख के अनुसार कर्णराज के द्वारा महानदी के तट पर सिहावा में 12वीं शताब्दी को नागर शैली में भगवान शिव को समर्पित कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया।